तो यहाँ पे 2 मिनट लगा दूंगा, यहाँ शाम को गाड़ी खड़ी करूंगा। वो हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, और ये गाड़ी की बात करते करते बुढ़ापा आ गया। कहीं दूर से 70 MM पे शॉट निकाल लिया। बताओ ये इंटेल इवेंट में सौदे बेच रहे हैं। 3, 2, 1 रोलिंग। हरी करारी मटर सुखे लाल बोलो भाई, गमला लगा। चलो क्या दिखावा करना है। तो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस इंटेल 13। ये 13 नहीं निकलता एक तो मुंह से। हम आए हैं एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं इवेंट अटेंड करने। अब टाइटल तुमने पढ़ लिया होगा। और ये खाली खालीपन देखो कितना है। सिर्फ हम जा रहे हैं फ्लाइट में, कुछ खिला दो खाने के लिए। बस ये इंसान है, इसे सिर्फ खाने से मतलब है। कह रहा खाना खिलाओ, उसके बाद जितना मर्जी कैमरा चलवा लो। अच्छा एक बात बता, ये मास्क का सीन एयरपोर्ट पे ही हुआ है? COVID-19 यही उड़ रहा क्या? कह रहे बस अंदर बैठोगे, मास्क पहन के बैठना, बाहर तुम कोई दिक्कत नहीं। देखो जी सुबह के बज रहे हैं 7, हसल देख रहे हो तुम लाइफ की। जाना है फ्लैटो में बैठ जाना है, इवेंट अटेंड करना है और वापस भी आज ही आ जाना है। घुस जाओ ना कैमरे के अंदर। बेसिकली हम एक्सपीरियंस करेंगे इंटेल 3rd जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स। मैं तो कह रहा डांस करो। सर कैसा लग रहा है आपको? पूरी रात ना सो गए? बहुत बढ़िया सर। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाके इवेंट में क्या ही करना है, वीडियो बना के सो ही जाएंगे। मैं तो खाना पी लूंगा और फिर काम थोड़ी कर लो। भाई हम ना पूरी रात का मतलब हमारा शूट था, हमने पूरी रात बैठ के एक वीडियो फाइनल करी है, जो मोस्ट प्रोबेबली जब हम ट्रैवल कर रहे हैं आप देखोगे। एक वीडियो हमने शूट करी है और हम अभी भी शूट ही कर रहे हैं। गिर मत जाना। वेरी वेरी हेक्टिक लाइफ। यूट्यूबर बन जाओ, बहुत आसान जिंदगी रियल गोस्ट कॉटन टर्मिनल 3 दिल्ली। बाजी वाले बटन तो बहुत तो मजे से हैं। एरोस होटल नेहरू प्लेस में और यहाँ पे इंटर का इवेंट। लेट्स गो। Processor that you would find, what I call it as monster performance. Why is it a monster performance? You will see. We have here with us the latest Intel Arc A770 Arc GPU exclusively for you to take a first look. तो आज हम आया इंटेल के 13 जनरेशन के लॉन्च इवेंट में दिल्ली में। और भाई जस्ट अभी इनकी प्रेजेंटेशन निपटी है और हमने ऑन पेपर तो सब कुछ देख लिया कि मतलब क्या कोर्स है, क्या थ्रेड्स है, क्या सीन है, बट एक्चुअल हमारे को भाई एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है ना। मतलब क्या है सीन, जब तक रियल लाइफ में नहीं चलाएंगे तो मजा थोड़ी आएगा। और यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं भाई ढेर सारे सिस्टम, क्योंकि डेस्कटॉप प्रोसेसर है तो सिर्फ डेस्कटॉप आएंगे, उम्मीद करेंगे लैपटॉप भी हमारे जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप प्रोसेसर करेंगे एक्सपीरियंस, देखते कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। लेट्स गो। आओ थोड़ा इधर देखते हैं थोड़ा बहुत। तो पीसी एक्सपीरियंसेस करने से पहले हमारे को हमारे माना भाई मिल गए। सबसे पहले उन्होंने अपना ना कस्टम पीसी बिल्ड कर रखा था, तो हमने उसके बारे में उनसे बातचीत करी। सोए नहीं क्या पूरी रात? 4 बजे उधर पहुंचे होटल में। अमृतसर से मैं तो 2 दिन का आया हूं। फुल फ्लेज्ड तुम्हारा पीसी वगैरह लाना था 2 दिन पहले बुला। ये तुम्हारा पीसी है यार? ये मैंने ही बनाया था थोड़े टाइम पहले स्पेशल। यार इसमें पता क्या है ना, सब बाहर है मेरा बेसिक कोई काम है यार, गर्मी अंदर नहीं रखने पीसी का, देख रहे हो ना सब ट्यूबे व्यूबे जा रही है काली वाली, मैं काला रंग पसंद है। और ये लेफ्ट में क्या है सारा? ये सर एक्सटर्नल रेडिएटर है, सारी गर्मी बाहर डंप होने, कोई अंदर की गर्मी नहीं रहनी, पंखे अपने अच्छे चल रहे हैं। तो ये जो पाइपिंग जा रही है इससे घूम के मेनली प्रोसेसर पे उधर है वो जाए सामने। हाँ, वो सारा 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 वो सारी गर्मी का। और माना भाई हमारे बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं, इनका पीसी बिल्ड आपने देख लिया पूरा और जो इन्होंने बताया आपने पीसी के बारे में, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। पीसी बिल्ड वगैरह या पीसी टेक रिगार्डिंग कॉन्टेंट बनाते हैं, चेकआउट जरूर करना। मतलब सब्सक्राइबर भले कम है लेकिन कॉन्टेंट में दम पूरा है। हाँ MSI के ऐसे फुल प्रमोशन मार के बहुत सही है Core i5 ना, और इनका ना LG 1700 सॉकेट पे रखा ना वो सही करा। फिर बारी आती है एक्सपीरियंसेस की, और वहाँ पे थे दुनिया भर के पीसी बिल्ड्स, और पीसी बिल्ड जो थे ना मतलब भाई एक्सपीरियंस तो दूर की बात, चलाना वलाना दूर की बात, उनकी लुक्स इतनी प्यारी थी, तगड़े तगड़े पीसी बिल्ड कर रखे थे, फुल RGB के तड़के, i7 वाले पीसी बिल्ड्स, i9 वाले पीसी बिल्ड्स। और उस टाइम तक 4000 सीरीज ना लॉन्च नहीं हुई थी जब ये इवेंट चल रहा था, आई थिंक शायद लॉन्च हो चुकी थी, बट वहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए थे 3060 3070
20, 30, 80 वगैरह या इवन 30, 90s लगे हुए थे। बट वहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा रहता है कि कुछ लिमिटेड गेम्स होते हैं, कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं जो हम चेकआउट कर पाते हैं उस टाइम पे। बट यस, आपको ऐसा नाराज नहीं होना, हमारे पास चैनल पे आने वाले हैं पीसी बिल्ड्स और हम ना थोड़ा मतलब i5 से शुरुआत करेंगे और आपको 13 जनरेशन का पूरा एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि भाई क्या ही तगड़े प्रोसेसर है। आई मीन जब यह पार्ट में बोल रहा हूँ ना तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ। सॉरी भाई मेरे को पता नहीं चला। आशीष फ्रॉम MSI। अमन फ्रॉम अमन डिंगरा। फोटो खिंचवा लो, बहुत महंगा फ्रेम है ये। शिवम भाई, इंटेल 13 जेन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एक लाइन में बताना बस यार। अभी तक जितना मतलब हमने इवेंट में देखा है तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर तो मैं कह सकता हूँ जितना हमने ऑन स्क्रीन देखा है। बाकी बहुत जल्द हम मतलब इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे क्योंकि हमारे पास भी प्रोसेसर आएंगे इन स्टूडियो। आपके पास तो आ चुके होंगे। महंगी बातचीत है, महंगी बातचीत इंटेल से मतलब हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है। वैसे ऐसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना तो कैसा आपका? मेरे से तो पूछ लिया, मैं तो देखो यही देख के बता सकता हूँ। नहीं, पी कोर्स ई कोर्स बड़े हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़िया निकल के आता है। डेफिनेटली क्या लगता है मतलब अगर मैं कोर i5 का बिल्ड कर रहा हूँ, DDR5 लूँ या DDR4 लूँ? डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंज्यूमर। अगर आपका बजट है तो भाई आप DDR5 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। 32 GB का रैम है, RTX 3060 Ti का ग्राफिक कार्ड है और कोर i5 प्रोसेसर है अपना 13th generation। तो आपका डिपेंड करता है, आपने यहाँ पे मदरबोर्ड अपग्रेड किया। मदरबोर्ड अगर मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ जी सीरीज का तो 700 सीरीज का है तो मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो DDR5 RAM भी लगा लेना। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उसका। उसके बाद हम मिले MVP वालों से। MVP वाले क्या ना लिक्विड कूल्ड पीसी बिल्ड्स करते हैं और कस्टम पीसी बिल्ड्स होते हैं। जो भी आपको पीसी बिल्ड करवाना हो, किसी भी टाइप की लिक्विड कूलिंग करवानी हो, वो सब ये करते हैं और उनसे काफी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारी। भाई क्या लग रहा है 3080 के साथ? सो दिस इज नॉट ओवरक्लॉक, सो बेसिकली द नेम सेज द MVP राइट। एज यू कैन सी वी मेक कस्टम सिस्टम्स। ओके, तो आपको जो यूज केस होगा उसके हिसाब से, अगर आप गेमिंग के लिए बना रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग के लिए बना रहे हो, आप मशीन लर्निंग के लिए बना रहे हो, तो हम लोग उसके हिसाब से सिस्टम बनाते हैं। तो जैसा कि मतलब माइंड में कोई भी कस्टमाइजेशन आता है तो वो आप करके दोगे? हो जाएगा। सो दिस सिस्टम इटसेल्फ इज 50 kg। लेट्स से आप एक वीडियो, आप 50 kg, दिस इज अबाउट 50 kg, आई एम जस्ट गिविंग अ राउंड। भाई 50 किलो का है ये उससे ऊपर है, उससे ऊपर है, पक्का है। क्योंकि आपका बॉडी बिल्डर भाई साहब 23 kg का आपका खाली कैबिनेट है और आपका मदरबोर्ड इटसेल्फ इज लाइक 2.5 kg। तो घर में जिम की कोई जरूरत नहीं है, आप पीसी बिल्ड करो, इसी को रोज खाओ, बॉडी बना लो कुछ भी। भाई हमारे पास है इंटेल आर्क A770। ये हमारा 16 GB VRAM का GPU है और अभी तो हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते इसको, एक्चुअली किसी पीसी के अंदर लगा भी नहीं हुआ ये, बट बहुत जल्द इसका रिव्यू आएगा चैनल पर, गेमिंग शेविंग करके देखेंगे। पाजी 37,000 रुपए दाया है। तो ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर्स का और अभी हमने कुछ ओवरव्यू लिया है, थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बाकी हम इन डेप्थ रिव्यू भी करेंगे, पीसी बिल्ड्स भी करेंगे, फिर चाहे 13 जनरेशन के प्रोसेसर्स हो या इंटेल आर्क का GPU हो, सब करने वाले हैं। और बताना वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक मारना, ज्यादा पसंद आई तो कुछ कॉमेंट करके बताना, एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।